श्रीनगर में स्थित जैक लाइस सेंटर में सह प्रमाण व पासिंग परेड का आयोजन किया गया, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल एस के दुआ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। लेफ्टिनेंट जनरल एस के दुआ ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि एक साल की ट्रेनिंग के बाद ये 256 जवान होंगे तैयार। ये ट्रेनिंग 12 महीनों की है। ये सब मिलिट्री स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, सिक्योरिटी ट्रेनिंग और बैटल क्राफ्ट ही नहीं सीखते, बल्कि सभी मजहब के जवान एक साथ काम करते हैं और एक ही छत के नीचे अपनी धार्मिक आस्था का भी निर्वाह मिलजुल कर करते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी खासियत व मजहबी एकता की मिसाल है। कश्मीरी युवाओं के सवाल पे बोलते हुए लेफ्टिनेंट जनरल एस के दुआ ने कहा कि कुछ युवा जरूर रास्ता भटक गए हैं, परंतु यही युवा मात्र जम्मू कश्मीर के युवाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करते। हाँ, ये एक पहलू जरूर है, मगर वही जब भी सेना की कोई भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आप वहां पाएंगे कि भर्ती सेंटरों पर हजारों हजार युवा उत्साह व देश प्रेम की भावना के साथ हिस्सा लेने आते हैं। Today, as you saw, there were 256 young recruits from all over Jammu and Kashmir, and they have joined the Jackalai Regiment. 256 recruits, जैसे आपने देखा, आज Jackalai Regiment के जवान बन गए हैं, और ये जम्मू कश्मीर के सब इलाकों से मिलकर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तकरीबन एक साल की ट्रेनिंग होती है। This is one year training that they undergo, little over 11 months to be precise. और इस ट्रेनिंग के दौरान ये सब मिलिट्री स्किल्स, फिजिकल फिटनेस, सिक्योरिटी ट्रेनिंग, बैटल क्राफ्ट सब तो सीखते ही हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा पहले, सबसे बड़ी बात हमारी जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की है कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट सब एक सेक्शन में सब इकट्ठे ऑपरेट करते हैं। हमारी अलग अलग कंपनियां नहीं हैं मज़हब के मुताबिक। हमारे यूनिटों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही छत के नीचे होता है। तो ये एक पूरे देश के लिए मजहबी एकता की एक मिसाल है। चलना है अगर वक्त से आगे, बदलना है अगर नजरिया, तो चलते रहिए बस वक्त के साथ। हम दिखाते हैं सबसे पहले, बेशक हो छोटी खबर या बड़ी, वक्त इंडिया, यही वक्त है।